जय हिंद दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जॉब हेल्प में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी AASSR 3 फरवरी यानी थर्ड शिफ्ट के ही एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। सभी कैंडिडेट्स ने यहाँ पर क्वेश्चन शेयर किया, उनके लिए दिल से धन्यवाद गाइज। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आए, देखिएगा इस बार एग्जामिनेशन का पैटर्न है थोड़ा सा अलग चेंजेस देखने को मिला है, तो नया नया जो पैटर्न है वो बना रहा है नेवी इसमें, तो जो आगे आने वाले MR कैंडिडेट्स हैं वो भी सावधान हो जाएँ थोड़े से। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और उसको बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और ऑल वाले बटन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। डाक दिवस का मनाया जाता है, पोस्ट ऑफिस डे जिसको बोला जाता है। तो भारत के अंदर जो नेशनल डाक दिवस मनाया जाता है तो वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद है, ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। सिंपली पाल अभयारण्य कहाँ पर है? सिंपली पाल अभयारण्य जो कि आपका कहाँ पर है, ओडिशा के अंदर है। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। वापिस रिपीट हो चुका है दोस्तों, ये आपको 2 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में ही क्वेश्चन आया था ये, ठीक है, उसके बाद में वापिस रिपीट हो चुका है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो ये आपका शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह सबसे चमकीला आपका ग्रह है। प्रथम सौर पावर प्लांट किस राज्य में लगाया गया था? पंजाब राज्य के अंदर सबसे पहले प्रथम सौर पावर प्लांट लगाया गया था। माइकल जॉर्डन जो किस खेल से संबंधित है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका बास्केटबॉल, बास्केटबॉल से माइकल जॉर्डन आपका संबंधित है। विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, उसका ऑप्शन था दोस्तों 4 ऑप्शन, तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। न्यूटन बटे मीटर किसका मात्रक है? तो विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटे मीटर विद्युत तीव्रता का मात्रक है, ठीक है, विद्युत तीव्रता का मात्रक है वो न्यूटन बटे मीटर है। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने को कहते हैं, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है उसको क्या कहते हैं? डायनेमो के द्वारा हम विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। फिर यहाँ पे फुल फॉर्म, इसके इस बार काफ़ी फुल फॉर्म पूछी जा रही है, 2 से 3 फिल आपकी फुल फॉर्म है हर एक शिफ्ट के अंदर आ रही है, ज़्यादातर कंप्यूटर से संबंधित आ रही है। और देखिएगा यहाँ पर HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। FM का जो FM रेडियो वाला होता है वही है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। CD का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क है जो कि इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। वार एंड पीस जो बुक है उसके लेखक कौन है? तो लेव तोल्स्तोय इनके लेखक हैं। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत चर्चित रहा था ये पुस्तक जो आपका, ठीक है। इंटीग्रेशन पूछा गया था, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन आप देख लीजिएगा, आपका इंटीग्रेशन था साइन की पावर 4x dx, इसकी आपको इंटीग्रेशन करना था, ठीक है, साइन की पावर 4x, ठीक है दोस्तों देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे था x cos²x, ठीक है, x cos² ये यहाँ पर है, आप इसमें लिखने में दिक्कत आता है तो आप समझ जाइएगा, ठीक है, x cos² x का यहाँ पे समाकलन था, इनसॉल्वेंट का सिनोनिम था, ठीक है, इनसॉल्वेंट का आपका सिनोनिम था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे इसका ब्रोक हो जाएगा, ठीक है, आपके बाई ऑप्शन होगा, बाई ऑप्शन होगा, मैंने बोला एंटोनिम सिनोनिम ये बहुत सारे होते हैं, तो ये आपके ऑप्शन में था तो ब्रोक हो जाएगा, और भी बहुत सारे हैं ग्लोसी। और दोस्तों आपको मैट्रिक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, डिटरमिनेंट से एक एक या दो दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, किसी में 2 शिफ्ट में आ रहे हैं, किसी में एक क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन था यहाँ पे FX यानी FX का था, ठीक है, FX की क्यूब बराबर था FX की पावर, मतलब आपका x की पावर 5, ठीक है, इस प्रकार था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर FX की वैल्यू है वो आपसे पूछी गई, तो F डेस पूछा गया था दोस्तों, यहाँ पे इस बात का ध्यान, एफ डेस शायद ऐसा पूछा गया है कि 8 की वैल्यू निकालने या F8 की वैल्यू हो सकती है, इस तरीके से एक क्वेश्चन था कैंडिडेट ने शेयर किया। तो गाइज आप यहाँ पे इस नंबर पे शेयर कर सकते हैं, आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं इस पे आप पर टेलीग्राम है, इसी पर व्हाट्सएप है, और इस ईमेल आईडी के द्वारा भेज सकते हैं, और इंस्टाग्राम का लिंक है और सोशल मीडिया के जितने भी लिंक है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाए गए हैं, वहाँ से आप जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों जिसने अभी तक अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया तो जरूर से अनअकैडमी पर फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक था आपका इंग्लिश का यहाँ पे कपिल देव वॉन वर्ल्ड कप, यहाँ ब्लैंक था, इसको आपको आर्टिकल फिलअप करना था, AN द कौन सा आर्टिकल आएगा इसको फिलअप करना था, वर्ल्ड कप 1983, ठीक है। फिर यहाँ पे एक लिमिट का क्वेश्चन था, इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा सा लिमिट वाले में, यहाँ पे शायद यहाँ तो गलत हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा, लेकिन इससे रिलेटेड ही था, ठीक है। लिमिट था आपका x की क्यूब है यहाँ पे, ठीक है, -7x / x - 3 है, यहाँ पर लिमिट पता नहीं कितने से कितने रखनी थी, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से उसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन शेयर कीजिएगा, सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं दोस्तों, किसी भी प्रकार का आपका सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा।
तो दोस्तों, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में गाइज, ठीक है। और किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और गाइज आपको मतलब अच्छे तरीके से जो तैयारी करनी है, आपने तैयारी किया तो आपको एग्जामिनेशन देने के लिए 100% जाना है। एम आर वाले कैंडिडेट्स हो या जो कल जा रहे हैं या पहुँच गए हैं, सभी सेंटर पर सही समय पर पहुँच जाए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। सभी कैंडिडेट्स को बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। और गाइज यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इसका पीडीएफ है, वो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को ले लीजिएगा, ठीक है। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। मिलता हूँ एक और नए अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।